कैसे आप सब लोग आई होपर्कनकर सारे भाइयों ने रिकमेंड किया था कि मैं कुछ एक अंडर बजट सीरीज में विंटर फ्रिकेंस लेकर आऊँ क्योंकि मैं नॉन स्टॉप एक सिंगल परफ्यूम करता जा रहा हूँ एंड यू वॉन्ट समथिंग यूनिक ठीक हो गया क्योंकि अक्सर हमारे जितने भी माशाल्लाह यूट्यूबर भाईज हैं अच्छे काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट लेकिन वो उस तरह की बजट रेंज बता रहे होते हैं जो इंसान की या तो ऑफ हो जाती है बजट से या तो फिर बहुत ज़्यादा लोअर क्वालिटी पे चली जाती है और मोस्टली तो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई क्वालिटी पे वो नहीं करता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होते हैं कि कोई चीज़ अच्छी मिले और कम पैसों में मिले ठीक है तो हमारे यूट्यूबर ज़्यादातर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं बाहर काम कर रहे हैं वो जो भी चीज़ दिखा रहे होते हैं वो नेचुरली उस बजट सीरीज़ में जा रही होती है जो कि कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक मेजर तबका जो है वो बेचारा नहीं अफोर्ड कर पा रहा होता तो जिसकी वजह से वो अब परफ्यूम हर किसी का शौक़ है यार सुन्नत तरीका है और सुन्नत है तो लाजमी बात है हर किसी का दिल करता है कि मैं भी लगाऊँ वो अलग बात है कि मैं वो बेंटले देख रहा हूँ और मैं बेंटले ले नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ का या कुछ उस तरह से मिलता जुलता नहीं ले सकता तो इसलिए मैंने कहा चलो कुछ ना ऐसा बनाया जाए कि जिसमें कह लें कि बजट सीरीज के अंदर अंडर टेन थाउजेंड या कह लें अंडर एट थाउजेंड के अंदर अंदर आपको ये चीजें मिल जाती हैं ठीक है, है? आ, शायद ऊपर नीचे भी हो सकती हैं लेकिन एक परफ्यूम है यूनिक सा जो सबसे टॉप पे जिसको मैं सी नंबर वाइज ऊपर जाऊंगा जिस तरह जिस तरह मुझे वो पसंद है उस तरह तरह मैं आपको उनकी लाइकिंग्स दिखाता जाऊंगा ठीक हो गया तो फर्स्ट नंबर पे आता है ये नंबर टेन पे आफ्टर डार्क बाय डायनर्स का ठीक है अगर मैग्नेटिक कैप है देख लें आप मैग्नेटिक कैप के साथ विद डिसेंट एटोमाइजर भी है इसका कंट्रोलेबल स्प्रे है काफी अच्छा डिसेंट एटोमाइजर है क्या मैग्नेटिक कैप है बॉटल आप देख सकते हैं काफी यूनिक सी है और ये मैंने अपने टेन नंबर पे क्यों रखा मैं आपको डिटेल में अच्छे से डिसेंट तरीके से समझाऊंगा लोगों की तरह जान नहीं छोड़वाऊंगा टेंशन ना लें क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ही मेरे लिए सब कुछ है सो so, अगर आप ऊद, लेदर और वुरी एरोमा चाहते हैं ठीक है आपको डार्क मिस्टीरियस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस पसंद है जिसमें ऊद और लेदर एडिड हो डेफिनेटली ये चीज आपके लिए है ठीक है ये आपको अंडर फाइव के में मिल जाएगा डाइनर्स की पाकिस्तान में डायनर्स की ब्रांच हर जगह पर है लाइक like लिटरली उनकी हंड्रेड से ऊपर ब्रांचेज हैं और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे इनका मालूम चला है, ये परफ्यूम्स अपने दुबई से तैयार करवाते हैं क्योंकि डाइनर्स की कुछ ब्रांचे दुबई में भी हैं तो ये इनका डाइनर्स वर्थ चेकिड आउटर अंडर फाइव के है डार्क बूजी लेदरी ऊदी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है सही सख्त सर्दियों के लिए ना तबाही चीज़ है आपने काली शॉल ली हो ऊपर काला सूट पहनाओ एंड आफ्टर टार मैं कहता हूँ बेस्ट ओके तो ये था मेरा नंबर टेन पे अब इसको हम कर देते हैं इस साइड पे सही है अब आ जाता है उसके बाद उसके बाद मेरा नंबर नाइन पे अफनान का रेयर कार्बन ठीक है मैग्नेटिक कैप तो नहीं है लेकिन काफ़ी हैवी कैप है और ये आप देख सकते हैं कुछ डिजाइनिंग हुई भी, भी जया तो मेरे ख़्याल से काफ़ी टाइम से मेरी ये बॉटल पड़ी हुई और काफ़ी देख लें मैंने इस पर डेंट भी डाला है काफ़ी यूज़ भी करी है मेरी सेकेंड बॉटल है अगर तो आप टॉम फोर्ट का टस्कन लेदर या आ, कह लें रसासी का लाखाम ला, का पुरोम चार हैं क्योंकि लेकिन बजट वो टेन थाउजेंड के ऊपर चला जाता है तो टॉम फोर्ड का तो मैं बात ही नहीं करूँगा वो तो लिटरली फोर्टी थर्टी फोर्टी तक जा रहा है लेकिन रसासी का लाई पाम पोरोम जो है अगर आप वो पसंद करते हैं या आपने कहीं स्मेल किया और आपको उस तरह का कुछ चाहिए या टस्कन लेदर की तरह का या उस तरह का आपने कुछ भी स्मेल करा है देन रेयर कार्बन इज़ फॉर यू ये एक लेदरी रेसबेरी स्वीट फ्रेगरेंस है बहुत आउट क्लास है काफ़ी पहले से आ रहा है ये भी आपको अंडर सिक्स टू सेवन के मिल जाता है पाकिस्तान में और इसका एटमाइजर भी चेक करवा देता हूँ मैं आपको टी सन है सही है और क्या स्वीट रेस है विद लेदर मैं जब भी इसे स्मेल करता हूँ सर्दियों के लिए सबसे बेस्ट अंडर बजट में अगर आपको खट्टी और खट्टी मीठी सी और लेदरी वाइप चाहिए ना ज़्यादा किसी को सर दर्द करे और आप बस इंजॉय करना चाहें काली लेदर जैकेट पहनी हो या ब्राउन लेदर जैकेट पहनी हो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ये स्प्रे करें थोड़ा सा नहीं काफ़ी भर के स्प्रे करें और अपने बाइक लेके जा रहे हो तो मैं कहता हूँ क्या मजे की फिर आएंगी आपको ये हो गया रेयर कार्पन आपका नंबर नाइन पे उसके बाद जो मेरे भाई गवर्नमेंट गोरमेंटिश लवर्स हैं जिनको आ, स्वीट खाने पीने की रिलेटेड फ्रेगरेंस पसंद है उनके लिए नंबर एट पे मैं लेकर आया हूँ इटरनल कॉफी बाय पेरिस कॉर्नर ठीक है मैं रिहाब का फ्रेंच कॉफ़ी भी ला सकता था नो डाउट लेकिन फ़्रेंच कॉफ़ी मैंने कुछ लोगों को टेस्ट आउट करवाया और उनको कह लें कि सर पकड़ लिया उसने क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है ये थोड़ा सा कोकोनटी वाइब की तरफ आता है ठीक है इसका जो कॉफ़ी नोट है उसको किया गया है लिटरली कोकोनट में टेस्ट करफी सारे मेरे हाथ पे होंगे डीजेंट एटोमाइजर है इसका भी और ये जो है कॉफ़ी इसमें भी वही कॉफी लाटे वाली है लेकिन ड्राई डाउन पहुँचते ये पहुं अच्छा यही ओपनिंग फ्रेंच आ, उसकी है फ्रेंच कॉफी की है आपकी सेम ओपनिंग है लाटे कॉफी लाटे मिल्क वाली कॉफी लेकिन उसकी यही ड्राई डाउन तक चलती रहेगी इसकी मिड में जाके लिटरली कोकोनटी वाई बाजी जैसे पीना को वाली वाई बाइ तो कॉफी विथ कोकोनट ये मुझे ज्यादा सूटेबल लगा और इजी ऑन द नोज है हर कोई पुल आउट कर सकता है जिसको भी गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस पसंद है नहीं तो आप इसके साथ इसकी लास्टिंग थोड़ी सी एडजस्ट करने के लिए अलिहा आपका चोको मस्क लगा के ऊपर ये लगा लें इसमें केक की वाइब आती है और कॉफ़ी मैं कहता हूँ वो जो गवर्नमेंट जिनको फ्रेग्रेंस पसंद है उनके लिए तो ये ना ईद हो जाएगी ठीक हो गया ये आ गया आपका नंबर टेन नाइन एट ठीक है अब आ गया हमारा टोम फोर्ट का क्लोन टबैको टच जिसको भी टबैको वनीला उस किस्म का टबैको वनी टाइप काइंड ऑफ अ पसंद है ये टबैको टच उनके लिए सॉरी बॉटल काफ़ी टाइम से मैंने इसको हिलाया नहीं है थोड़ा सा यूज़ किया था तो अगर आपको टबैको और वनीला इसका मिक्सचर चाहिए और चाहते हैं कि डिसेंट लॉन्जिविटी भी आपको मिले तकरीबन फाइव टू तो सिक्स आवर्स स्प्रेज की मैं बात करूंगा तो थ्री टू तो फोर तो फोर स्प्रेस पर आपको फाइव तो टू सिक्स आवर्स दे देगा ठीक है और काफी लाइट टबैको फ्रेग्रेंस है विद वनीला टच ऑफ ऑफ वनीला बहुत आउट क्लास है थोड़ा सा यूनिक है हाँ आपको इसे हर टाइम आप इसे पुल आउट नहीं कर सकते चंद एक ओकेजन पे आप इसे यूज कर सकते हैं जैसे आप डेट पे जा रहे हैं या आप कह लें कि किसी गैदरिंग पे जा रहे हैं जहाँ पे क्लोज इनकाउंटर्स हैं और आप वहाँ पे थोड़ा सा मेच्योर भी लगना चाहते हैं और थोड़ा सा यूनिक भी देन दिस वन इज फॉर यू बिकॉज ऑफ द लेदर टच यू विल गेट अ मेच्योरनेस एंड आई मीन सॉरी टबैको टच यू विल गेट अ मेच्योरनेस एंड ड्यू टू द दनीला यू विल बी ईजी टू कलेबोरेट विद योर कोलिग्स तो ये डेफिनेटली टबैको टच आपको सूट करेगा उसके बाद नंबर सिक्स ये आ गया हमारा एक्सक्लूसिव टबाक मेरे जो भी भाई जो मैं जानता हूँ अभी कह रहे हूँ कि भाई आपने रेड टबैको क्यों नहीं डाला वो रह गया है तो जाहिर सी बात है रेड टबैको वैसे मेरे लिए नहीं था मुझे इतना पसंद नहीं आया रेड टबैको मैं हमेशा से दूर ही भागा मानसेरा का रेड टबैको उसकी बात कर रहा हूँ मुझे पता नहीं क्यों उसका डी एन ए का हमेशा उसका जब मिड में पहुँचता है ना उसका जो रगड टबैको और लेदर मिक्स काइंड ऑफ स्मेल है ना वो मुझे ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग करवाएगा लेकिन मुझे स्पेशली कैरोना हरेरा का मिस्ट्री uh, टबैको वो बहुत जबरदस्त लगा था उसका मैं फिर क्लोन ढूंढ रहा था क्योंकि वो फोटी प्लस की बॉटल थी तो मुझे नहीं मिला क्लोन उसका तो फिर आखिर में जाके अब मैसन अल हमरा वालों ने उसका क्लोन बनाया एक्सक्लूसिव तबाह इन सब की डिस्क्रिप्शन जिन जिन से ये आपको मिल जाएंगे मैं उनके नंबर डाल दूंगा तो आपको टेंशन नहीं होगी इनको ढूंढने के लिए काफ़ी डिसेंट कैप है इसका लाइट वेट इतना है इतना ज़्यादा हैवी नहीं है और ये जो है इसको मैं ज़रूर स्क्रीन पर ट्राई करूँगा क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट ये है एक्सक्लूस

एंड इसका मैं पूरा कंप्लीट रिव्यू लेकर आऊँगा इन बहुत ज़बरदस्त है मुझे रेड टबैको से ज़्यादा ये ब्लेंड काफ़ी स्मूथ लगा और काफ़ी अच्छे से तो ये भी आप हाँ ये लेडीज़ पुल आउट नहीं कर सकती डेफ़िनेटली फॉर जेंट्स एल्फाफ फ्रेग्रेंस है ये मेल की है और आप इसे ज़रूर लगाएं ज़रूर अपनी गैदरिंग में दोस्तों यारों के साथ जा रहे हो आउटिंग पे बारबेक्यू वगैरह करने जा रहे हो दिस इज़ योर चॉइस ठीक है उसके बाद नंबर फाइव पे वन एंड ओनली स्कैंडेंट ये सारे परफ्यूम जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये अंडर टेन के अंडर एट के में आपको मिल जाएंगे तो बल्कि फोर फोर थ्री थ्री थाउजेंड फाइव फाइव थाउजेंड के परफ्यूम्स हैं तो ये एक बजट सीरीज चल रही तो आई होप यू गाइस लाइक इट डू सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज और ये है स्कैंडेंट ठीक है ला परफ्यूम ये है जॉन पॉल का स्कैंडल ठीक है ला परफ्यूम वाला वर्जन जो जो डार्कर वर्जन एक तो स्कैंडल है नॉर्मल ठीक है परफूम उसका ओरिजिनल वाले का रिव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है वो मुझे ज्यादा स्वीट लगा था तो मैंने वो सेल आउट कर दिया था ये वाला ला परफ्यूम मुझे लेना था लेकिन पाकिस्तान में ला परफ्यूम अभी तक एंट्री नहीं मारी है मारेगा तो वो भी ट्वेंटी प्लस पे ही होगा तो फिर मैंने कहा उससे अच्छा फिर बंदा फ्रेग्रेंस होल्ड का क्यों ना ट्राई करे और मैंने फिर फ्रेग्रेंस होल्ड का ला परफ्यूम ट्राई कर इसमें स्मोकीनेस है और मुझे नहीं पता स्वीट डेंजर स्वीट है ये भी लेकिन इसके साथ एक वो स्मोकी वाइब जो आती है ना इसने मुझे बहुत यूनिक मैं कहता हूँ डेट नाइट पे इसे लगा सकते हैं लेडीज जेंट दोनों पुल आउट कर सकते हैं स्पेशली आप अगर किसी कहने के विंटर पार्टी में जा रहे हैं या आउटिंग मूवी पे जा रहे हैं अपने कपल आप मतलब किसी भी डिनर पार्टी पे जा रहे हैं डेट नाइट पे जा रहे हैं डेफिनेटली दिस वन ये बहुत जबरदस्त काइंड कोजी वाइप देता है वो गैदरिंग में कहेंगे और ऊपर से लास्टिंग इसकी टू आवर्स तो आपको ये अच्छी बीस्ट प्रोजेक्शन देता है और लास्टिंग आपको फाइव प्लस आवर्स देता है इसने मुझे फाइव प्लस ऑन माई स्किन फाइव प्लस आवर्स दी है और टू आवर्स इसने मुझे प्रोजेक्शन दी है और यकीन करें कल भी मेरा ये सेंट ऑफ द नाइट था यहाँ तक कि सोने के टाइम जाते हुए मैंने यही सेंट लगा दिया था और मुझे रात भर इसकी वेब्स आ रही थी और मुझे बहुत जबरदस्त नींद आ रही थी डेफिनेटली चेके रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त है कोकोनेटी वाइप के साथ थोड़ा सा बूजी थोड़ा सा मैरोवाना वो सॉरी कह रहा हूँ वो थोड़ा सा केनेबिस वाला नोट है लेकिन बहुत हिंट ऑफ टच जैसे हल्का फुल्का सा टच है बस आपको इतना ज़्यादा सरतर्दी नहीं देगा तो वो वाला हिंट ऑफ टच है और बस मैं कहता हूँ परफेक्टली ब्लेंडेड है और अंडर बजट में मिल जाता है फाइव टू सिक्स के के अंदर अंदर पाकिस्तान में आ, मैं चेक करूँगा किसके पास अवेलेबल हुआ उसका नंबर भी डाल दूंगा लेकिन अभी तक मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में बहुत कम अवेलेबल अभी आया नहीं है लेकिन आपको मैं कोशिश करूँगा कि उन बंदों का नंबर डाल दूँ जो आपको ये मंगवा के दे सकते हैं तो ये आ गया नंबर फाइव पर हमारा स्कैंड सॉरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन अब टेंथ सीरीज़ का बनाना है तो फिर आप लोगों के लिए ये करना पड़ेगा और उसके बाद आ गया दे स्पाइस बाय मार्क विन विक्टर मार्क एंड विक्टर का ये स्पाइस बाम का क्लोन है ओरिजिनल वाला स्पाइस बाम एक्सट्रीम नहीं नॉर्मल वाला जो ओरिजिनल पहला वाला आया था उसका ये क्लोन है और बहुत ज़्यादा जबरदस्त स्मूदली ब्लेंडेड स्पाइसी हा और ऐसे सिनेमम आ, बूजी थोड़ा सा वनीला टच के साथ बेस्ट फॉर ऑफ़िस के लिए भी आप इसे वेयर कर सकते हैं एम श्योर यू गोना लव इट बहुत ज़बरदस्त है सिनेमम स्पाइसी आ, वुडी, वनीला पूजी, ठीक है बहुत आउट क्लास स्मेल है इसकी आप इसे ज़रूर ट्राई करें आ, मेरे ख़्याल से वेडिंग नाइट में जाना हो मैं तो कितने सारे ऐसे दो तीन ग्रूम्स हैं जिनको मैंने ये रेकमेंड करा कि वेडिंग पे अपनी ये लगाएं और वाक में जब वो स्टैंड आउट हो रहे थे सारी क्राउड्स से क्योंकि इसका वो स्पाइसीनेस है और सर्दियों में इसका स्पाइसीनेस एक निखर के आता है स्पेशली वो सिनेमा नोट एंड वेरी यूनिक वेरी डिफरेंट एंड आजकल सारे स्पाइस बॉम्ब वो वाला जो ओरिजिनल वाला है वो लगाते ही नहीं है पता नहीं क्या बात है या तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया या आजकल मिलना भी उसका थोड़ा सा थोड़ा सा मार्केट में शॉर्ट हुआ है मिल जाता है लेकिन थोड़ा शॉर्ट है लेकिन आजकल जो इतनी सी बॉटल है ना वो भी आपको वो सेल कर रहे होते हैं फिफ्टीन ट्वेंटी के प्लस पे तो डेफिनेटली ये चेक इट आउट करें फ्रेग्रेंस होल्ड का और इजिली मार्केट में आपको ये मिल भी जाएगा ठीक हो गया तो ये था हमारा नंबर फोर पे अब टॉप थ्री गए ये आ गया पोश माल्ट जो लोग हनी विस्की आ, थोड़ा सा माल्ट थोड़ा सा आ, स्वीट थोड़ा सा कह लें टबैकोइ थोड़ा सा आ, मिक्स काइंड ऑफ अ वुडी अरोमा के साथ परफ्यूम चाहते हैं और बूजीनेस ऑन द हाई लेवल देन डेफिनेटली पोश मोल्ट इज फॉर यू गाइस ये Uh, तेरी मीवियर प्योर मोल्थ का क्लोन है आई एम श्योर फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का आपने स्टार मैन नबुल्ला सुना होगा ये उनकी नीच सीरीज है स्टार मैन नबुल्ला अच्छा है डिसेंट है और प्राइस टैग भी उसका अच्छा है मैं वो भी ला सकता था इस लिस्ट में लेकिन मैंने कहा नहीं पोश मॉल्ट अगर जो क्योंकि अभी ये पाकिस्तान में आया नहीं है तो डेफिनेटली आप इसकी जगह पोश वो स्टार मेन नबुल्ला यूज कर सकते हैं फिलहाल लेकिन अगर ये आपकी अप्रोच में आ जाता है पोश मॉल्ट ठीक है तो ये सीरीज आप जरूर ट्राई करें बहुत ज़बरदस्त है बहुत आउट क्लास है और इसकी लास्टिंग मुझे स्टार मेन नेबुला से काफ़ी ज़्यादा लगी है और काफ़ी डिसेंट लगी है प्लस इसका एटोमाइज़र ये उनकी नीच सीरीज़ है और है भी ये अफकोर्स फ्रेगरेंस फोल्ड ये देख सकते हैं आप फ्रेग्रेंस वोल्ड ने पोष मोल्ट के आई I मीन mean, तेरी म्यूलर प्योर मोल्ट के दो क्लोन निकाले हैं

63.55 यहां पॉइंट पर लिखा हुआ है इसका रिव्यू भी नहीं मैंने बनाया पोश मॉल का भी नहीं बनाया इसका भी रिव्यू आएगा एक्सक्लूसिव तब्बा का भी आएगा स्कैनन का भी आएगा इन सब के रिव्यू आएंगे टेंशन मत लीजिएगा और जिन जिनके नहीं आए मेटल कैप देखें क्या कॉपर कैप दिया ये बॉटल आपकी ड्रेसिंग पे पड़ी हो तो एक दफा ऐसा एलिगेंस लगता है ऐसा ज़बरदस्त लगता है कि बंदा कहता है यार क्या चीज़ बनाई है अच्छा ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ग्रीश आर जो के फोर्टी थर्टी फोर्टी के का परफ्यूम है उसका क्लोन बनाया कोकोनटी टबैको परफेक्ट ब्लेंड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुझे हल्की सी ने लेदर वाइप भी दी है लेकिन पता नहीं क्यों लेकिन इसमें ऐसा कोई नोट नहीं है मेरे ख्याल से आई विल मेक एंटायर रिव्यू वीडियो ऑनस्ट रिव्यू वीडियो ऑफ कोर्स आप जानते हैं लेकिन इस प्राइस टैग में ये मुझे मिला अराउंड सिक्स के अंदर अंदर ठीक है अनीस जुनेद अनीस भाई से तो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस वन आउट एंड यू गन लव दिस वन बिकॉज इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड फॉर बूजी टबैकोइ लिल बेल ऑफ अ कोकोनट ही वाइब बहुत ज़बरदस्त मुझे ब्लैंड लगाए ये यूनिक परफ्यूम है जैसे कहते हैं ना कि अक्सर इतने सारे मेरे पास कलेक्शन में अराउंड हंड्रेड टू हंड्रेड के ऊपर परफ्यूम्स हैं लेकिन ये परफ्यूम की स्मेल ग्रिस चार्नल की जो खलोन बनाया इन्होंने फ्रांसिस की सिक्सटी थ्री पॉइंट फिफ्टी फाइव इट्स डिफरेंट इट्स नॉट लाइक एवरी डे यूज में आपने यहाँ हर किसी के पास स्मेल भी नहीं किया होगा काफ़ी यूनिक स्मेल है तो ये डेफिनेटली आप चेक इट आउट करें अंडर फाइव सिक्स के है और लास्टिंग भी इसकी डीसेंट है काफ़ी अच्छी लास्टिंग है एंड गाइस नंबर वन ठीक नंबर वन पे कोर्स बेंटले बेंटले इंटेंस सॉरी मेरी बॉटल बहुत पुरानी होगी पुराना बैच है और ये है हमारी बेंटले इंटेंस की पुराना बैच की बॉटल और ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है नो डाउट तबाही चीज है आज भी यकीन करें बल्कि आज मेरा सेंड ऑफ द डे भी यही होगा लेदर एंड टबैको और पता नहीं क्या क्या वाइब्स इसमें मुझे आती हैं वुडी एरोमेटिक लाइक लिटरली पैसा वसूल है हालांकि अब ये इसकी प्राइस इन सब में महंगा यही है अभी फिलहाल और पॉश मॉल ये दो महंगे हैं लेकिन बिलीव मी आज भी ये वर्थ एवरी पैनी है ये एट के के पास चला गया हर किसी को स्टार्टिंग में ये समझ नहीं आएगा थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन इससे आप वेयरिंग्स दें थोड़ा टाइम दें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको अम, एक डेढ़ साल बाद जाके समझा मेरे एक सब्सक्राइबर हैं तश्याम भाई एंड वो उसको इस उन्होंने इसको कह लें कि दो तीन वेयरिंग्स दे के साइड पे रख दिया था बाद में एक दिन मैंने उनको कहा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई बातचीत हुई तो मैंने उनसे कहा भाई आपके पास आने कहा जी मुझे कोई इतना पसंद नहीं आया मैंने कहा ये वाला कहते हैं हाँ ये पसंद नहीं आया मैंने कहा एक काम करें आपके पास लेदर जैकेट पड़ी हुई है कहते हैं हाँ मेरे पास पड़ी मैंने कहा आज सर्दियां भी शुरू हुई हुई है ये लेदर जैकेट पे स्प्रे करें और आज अपना दिन गुजारें देखें फिर मुझे एंड ऑफ द नाइट आके मुझे बताएं क्या आपके साथ कैसा सा लगा आपको मैंने कहा ठीक है फिर उन्होंने दोबारा जब ये किया ना कहते हैं मैं बाइक से उतरा मैंने बाइक पे चार स्प्रे मारे थे और बाइक से उतर के जब मैंने हेलमेट अपना उतारा तो जब मेरी लेदर जैकेट से इसकी स्मेल निकली कहते हैं लोग भी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे और मुझे भी बड़ा डिफरेंट लग रहा था तो साल बाद जा उनको इसकी थोड़ी सी समझ लगी तो ऐसी चीज़ें होती हैं थोड़ा सा टाइम दिया करें वेरिंग्स दिया करें प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड किया करें नहीं समझें तो फिर सेल आउट कर दें मैं ऐसे ही करता हूँ ठीक है मैं नहीं चीज़ें रखते अगर मैं बांध के रखूंगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज़ कहां से लेकर आऊंगा तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो आई होप यू को लव इट और बहुत ज़्यादा लंबी होगी आई एम सॉरी अबाउट दैट लेकिन आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझानी भी होती हैं मैं जान नहीं छुड़वा रहा होता या मैं किसी की पेड कॉन्टेंट नहीं बना रहा था सो आई एम सॉरी अबाउट दैट पार्ट तो काइंडली गाइज डू सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट ने वीडियो में दुआ में याद रखिएगा ज़्यादा साइनिंग और फिर भी कुछ रह गया हो ज़रूर कमेंट में पूछया करें मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको उसका रिप्लाई कर दिया करूँगा जजाक अल्लाह हाफि